गाइस आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर की वर्डपैड सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके पहले क्लास में मैंने आप सभी से डिस्कस किया था नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में। उस सॉफ्टवेयर के जितना भी ऑप्शन है सारे मैंने डिटेल्स के साथ आप सभी को बता दिया है। तो आज जो मैं वर्डपैड सॉफ्टवेयर बताऊंगा ये नोटपैड सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट सॉफ्टवेयर है। मतलब इस सॉफ्टवेयर पर आपको नोटपैड से थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन मिल जाएगा जो आपके काम पर आ जाएगा। इतना ये बेकार का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर है वर्डपैड सॉफ्टवेयर। So, अगर आपने नोटपैड सॉफ्टवेयर को नहीं देखा है या फिर मेरे और भी पिछले क्लास को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। वहां पर कंप्यूटर नॉलेज नाम का या फिर कंप्यूटर बेसिक कोर्स एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। आपको पहले से जितना भी क्लास कराया था सब क्लास आपको वहां पर मिल जाएगा। तो वर्डपैड सॉफ्टवेयर को डिटेल्स में जानने के लिए, वर्डपैड की सारे ऑप्शंस को डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो गाइस, आई एम जयदीप एंड आप देख रहे टेक्निकल जयदीप चैनल को। ओके गाइज, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा वर्डपैड सॉफ्टवेयर को। तो वर्डपैड सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए मैंने जो प्रोसेस पहले भी इस्तेमाल किया था उसी प्रोसेस को यहाँ पर भी इस्तेमाल करूँगा। रन सॉफ्टवेयर को ओपन करके मैं यहाँ पर वर्डपैड सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा। तो रन सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए विंडोज़ की एंड आर दोनों को एक साथ प्रेस करना है। मेरा यहाँ पर रन सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा वर्डपैड एंड एंटर। सो वर्डपैड एंड एंटर टाइप करने के बाद यहाँ पर मेरा वर्डपैड सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो वर्डपैड सॉफ्टवेयर का आप इंटरफेस देख सकते हो। वर्डपैड सॉफ्टवेयर का कुछ ऐसा इंटरफेस होता है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाए जाते हैं, होम एंड यहाँ पर व्यू। तो इस होम ऑप्शन पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेगा जो आपको मैं अच्छी तरह से बारीकी से समझाऊंगा आज की इस वीडियो पर। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। देखिए यहाँ पर मैंने नोटपैड सॉफ्टवेयर पर आप सभी को कट कॉपी पेस्ट इन तीनों ऑप्शन को अच्छी तरह से समझा दिया है। यहाँ पर भी आपको कट कॉपी पेस्ट मिल जाता है, ये हर एक सॉफ्टवेयर पर आपको मिल जाता है। तो आप कट कॉपी पेस्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए आप मेरे पहले वीडियो को देख सकते हो जहाँ पर मैंने नोटपैड पर यह समझाया था। अब देखिए होम पर यह आता है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग। अब यहाँ पर ये जो टैब बोला जाता है, इनको एक एक टैब बोला जाता है। इन टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो क्लिपबोर्ड टैब पर जो ऑप्शन है पेस्ट, कट, कॉपी, तो ये तीनों ऑप्शन मैंने समझा दिया था। अभी मैं आता हूँ फॉन्ट पर। तो फॉन्ट पर जो ये सारे ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस को समझने के लिए आपको यहाँ पर कुछ टाइपिंग करना पड़ेगा तभी आप इन सारे ऑप्शंस को यहाँ पर समझ पाओगे। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ टाइपिंग कर लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले वाला जो नोटपैड सॉफ्टवेयर पर मैं जो टाइपिंग किया था वही टाइपिंग यहाँ पर भी कर लूँगा। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा टाइपिंग किया है, बस यही टाइपिंग किया है। तो देखिए यहाँ पर फॉन्ट पे जो पहला ऑप्शन आता है वो बोल्ड, फिर यहाँ पर इटैलिक इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है अंडरलाइन। तो हर एक ऑप्शन पर आपको कर्सर ले जाने पर आपको उस ऑप्शन का नाम बता देगा एंड क्या काम करते हैं वो भी बता देता है। इसके बाद ये जो है यह है स्ट्राइक थ्रू, एंड इसके बाद यह ऑप्शन आता है सबस्क्रिप्ट, यह आता है आपका सुपर स्क्रिप्ट, एंड यह आता है आपका टेक्स्ट कलर, यह आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, एंड यह आता है आपका ग्रो फॉन्ट, एंड यह ऑप्शन है स्ट्रिंग फॉन्ट। ओके, स्ट्रिंग फॉन्ट, और इस पर आप अपने फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हो। फॉन्ट साइज जैसे कि आपको देखने को मिला यहाँ पर फॉन्ट की फैमिली यहाँ पर लिखा है, मतलब यहाँ पर आप फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हो। तो अभी ये जो मैंने यहाँ पर टाइपिंग किया है तो इस पर मैं ये सारे काम करूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो मैंने टोटल जो टाइपिंग किया है इस टाइपिंग को मुझे सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी देखिए सिलेक्ट में टोटल को जब सिलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस का यूज़ करूँगा सिलेक्ट ऑल की। अब सिलेक्ट ऑल का एक शॉर्टकट की है जो है कंट्रोल ए। तो मैं अगर अपने कीबोर्ड की कंट्रोल एंड ए को एक साथ प्रेस करूँगा तो आप लोग देख सकते हो मेरा टोटल जो टाइपिंग किया था ये टोटली सिलेक्ट हो चुका है। तो ये टाइपिंग मेरे यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अभी मैं आप सभी को यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वह फॉन्ट की स्टाइल, मतलब यहाँ पर जो लिखा है फॉन्ट की फैमिली। तो इस पर जाके मैं इस फॉन्ट को चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पर मुझे ढेर सारे फॉन्ट यहाँ पर मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर एक फॉन्ट चूज़ कर लूँगा फिर उसको चेंज कर लूँगा। जैसे कि मैं इसको अल्जेरियन कर देता हूँ।
तो आप लोग देख सकते हो मेरा फॉन्ट जो यहाँ पर चेंज हो चुका है पहले से। ओके सो अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए से, एंड यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आता है फॉन्ट की, यहाँ पर फॉन्ट की साइज, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको ढेर सारे साइज मिल जाएगी फॉन्ट की, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 ऐसा साइज आपको दिख रहा है। यहाँ पर लास्ट साइज आपको दिख रहा है 72, लेकिन आप यहाँ पर मतलब इसको बैकस्पेस से डिलीट करके आप यहाँ पर साइज अपना दे सकते हो कुछ भी। तो यहाँ पर जितना साइज का ऑप्शंस मुझे मिलते हैं मैं इन ऑप्शन से इस साइज को चूज़ कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ 14, तो आप लोग देख सकते हो मेरा जो फॉन्ट है इसका साइज अभी इंक्रीज हो चुका है। अब फिर से मैं इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूँ, एंड यहाँ पर जो मैंने ये जो दो ऑप्शन बताए इससे भी आप अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। जहाँ पर आपको लिखा है ग्रो फॉन्ट, एंड ये जो है ये ऑप्शन है श्रिंक फॉन्ट। तो अगर मैं श्रिंक फॉन्ट करूँगा तो आप देख सकते हो इसका साइज डिक्रीज हो रहा है, अगर मैं ग्रो फॉन्ट करूँगा तो इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। ओके अब यहाँ पर जो ऑप्शन आता है ये बोल्ड, सो बोल्ड में जब कर दूंगा तो आप देख सकते हो मेरा जो टाइपिंग क्या हुआ लेटर या फिर वर्ड था वो थोड़ा सा मोटा हो चुका है बोल्ड करने पर। अगर मैं यहाँ पर बोल्ड पर फिर से क्लिक करके बोल्ड को अगर डिसेबल कर दूंगा तो आप देख सकते हो मेरे फॉन्ट जो है थोड़ा सा पतला हो चुका है। अब यहाँ पर जो है इटैलिक अगर मैं कर दूंगा तो मेरा फॉन्ट जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, और अगर मैं इटैलिक को डिसेबल कर दूंगा तो मेरा फॉन्ट नॉर्मली आ जाएगा। और अंडरलाइन पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे फॉन्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा, देखिए ये जो अंडरलाइन है। अब मैं अगर इसको अंडरलाइन को फिर से डिसेबल कर दूंगा तो अंडरलाइन मेरा चला जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन आता है ये है स्ट्राइक थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करके आप देख रहे हो कि मेरा जो लिखा था हेलो गाइस आई एम जयदीप उसके ऊपर एक दाग आ चुका है, एकदम मिडिल पर एक दाग आ चुका है। तो इसको अगर मैं फिर से क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा। एंड ये दो ऑप्शन मैं आप सभी को बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट की कलर आप अगर चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट कलर पर जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। मान लीजिए इसका टेक्स्ट कलर मैं रेड रख लेता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा टेक्स्ट का कलर यहाँ पर रेड हो चुका है। फिर से मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पर टेक्स्ट का हाईलाइट का मतलब देखिए यहाँ पर मैं इसको ये ग्रीन वाला ले लेता हूँ, तो ये मेरा टेक्स्ट का हाईलाइट हो चुका है, मतलब टेक्स्ट का हाईलाइट हुआ है, ये टेक्स्ट का कलर आपको चेंज नहीं करेगा। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको हाईलाइट पेन के बारे में ज़रूर पता होगा। हाईलाइट पेन अगर आपने यूज़ किया है तो ऐसे ही आप वर्डपैड पर भी हाईलाइट को इस्तेमाल कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर कंट्रोल ए सिलेक्ट करके इस हाईलाइट को मैं यहाँ पर हटा लेता हूँ। तो हाईलाइट हटाने के लिए आपको यहाँ पर नो कलर पर क्लिक कर देना है, एंड इसकी फॉन्ट कलर को भी मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ओके अब ब्लैक कर लिया। अब यहाँ पर जो दो ऑप्शंस मैंने आप सभी को बताया वो देखिए, यहाँ पर मैं एंटर देता हूँ, एंड जैसे कि होता है ना सेकंड जब हम लिखते हैं तो टू लिखते हैं एंड एनडी को ऊपर में रखते हैं, ऐसा होता है फिफ्थ लिखते हैं तो फाइव लिखते हैं, टी एच को ऊपर में रखते हैं। ये करने के लिए आपको यहाँ पर मान लीजिए मैंने एफ लिखा, एंड एफ लिखने के बाद यहाँ पर मैं इसको अगर चूज़ करूँगा सबस्क्रिप्ट को तो यहाँ पर मेरे नीचे टी एच होगा, जैसे कि मैं मान लीजिए इसको ही चूज़ किया। अब मैं अगर टी एच लिखूँगा तो आप लोग देखिए फाइव के नीचे टी एच हो रहा है। अब फिर से मैं यहाँ पर एक स्पेस दिया, अब मैं इसको हटा देता हूँ, एंड मैं अभी फिर से लिखता हूँ एफ। एफ लिखने के बाद अगर मैं अभी करूँगा सुपर स्क्रिप्ट, तो सुपर स्क्रिप्ट करने के बाद टी एच लिखूँगा तो आप देखिए फाइव के ऊपर टी एच हो रहा है। तो यही काम है सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का। तो यहाँ पर फॉन्ट टैब पर जो कुछ भी ऑप्शन था वो मैंने आप सभी को दिखा दिया है। अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा यहाँ पर पैराग्राफ टैब की ऑप्शन को। देखिए पैराग्राफ टैब की ऑप्शन पर ये जो ऑप्शन आता है यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये डिक्रीज इंडेंट है, यह आता है इंक्रीज इंडेंट, यह आता है स्टार्ट लिस्ट मतलब बुलेट नंबर जिसको कहा जाता है वो होता है। इस पर आप लाइन स्पेसिंग दे सकते हो, एंड यहाँ पर एलिगेंट टेक्स्ट लेफ्ट, यहाँ पर आता है आपका एलिगेंट सेंटर आ जाता है, यहाँ पर आता है एलिगेंट टेक्स्ट राइट, और यहाँ पर होता है जस्टिफाई। सारे का शॉर्टकट की भी आपको पता चल जाएगा आप अगर उस ऑप्शन के पास कर्सर को ले जाते हो। तो मान लीजिए मैं इस फॉन्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ टोटली। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर मेरा अभी एलिगेंट टेक्स्ट लेफ्ट क्या हुआ है, अगर मैं इसको सेंटर पर कर दूंगा तो आप देख सकते हो मेरा फॉन्ट जो है वो इंडेंट के अनुसार वो सेंटर पर हो चुका है। अब मैं इसको राइट करूंगा तो ये राइट पर टोटली आ जाएगा, एंड मैं जस्टिफाई कर दूंगा तो जस्टिफाई हो जाएगा। तो ज़्यादातर हम लोग जो देखते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक होता है पढ़ने का, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरा जो टेक्स्ट बुक होता है आपका भी जो टेक्स्ट बुक है उस पर जो यहाँ पर इंडेंट यूज़ होता है पैराग्राफ का वो जस्टिफाई होता है।
सो अभी मैं इसको जैसे पहला था वही कर लेता हूँ लेफ्ट पर। और अभी देखिए यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिलते हैं, ये जो ऑप्शन मिलते हैं डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, जो भी है, तो डिक्रीज इंडेंट पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो तो मेरा जो इंडेंट है ये डिक्रीज होगा। ये देखिए अभी मेरा इंडेंट इंक्रीज़ हो रहा है, ये जो बार है ये बार देखिए यहाँ पर मैं इंक्रीज इंडेंट पर अगर क्लिक करूँगा तो वो जाएगा, ये देखिए जा रहा है। एंड अगर मैं इसको डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करूँगा तो फिर से आ जाएगा पीछे की तरफ। तो ये होता है डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट का काम। अब यहाँ पर स्टार्टर लिस्ट पर जो ऑप्शन आते हैं बुलेटिंग के नंबर की तरह ही है, तो आप यहाँ पर ABC चूज कर सकते हो, बुलेट चूज कर सकते हो, 1, 2, 3 चूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे स्टाइल्स आपको दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अगर इसको क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर ये बुलेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। तो मैं इसको अभी डिसेबल कर देता हूँ। अब यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, ये दो जो लेटर है, ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, तो इन दोनों के बीच में आपके कितना गैप रखना चाहते हो या आप मैनुअली सेट कर सकते हो लाइन स्पेसिंग पर जाके। 1.0, 1.15 अभी मैंने सिलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 2, तो आप देख सकते हो लाइन स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर मैं इसको फिर से नॉर्मली 1.15 जो ऑप्शन था उस पर ले आता हूँ तो देखिए लाइन स्पेसिंग मेरा कम हो चुका है। यहाँ पर यही काम होता है लाइन स्पेसिंग का। अब देखिए यहाँ पर पैराग्राफ का जो पैराग्राफ टैब पर जो जितने सारे ऑप्शंस था वो मैंने आप सभी को दिखा दिया है। अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा इंसर्ट टैब की ऑप्शन पर। तो इंसर्ट टैब पर आपको ऑप्शंस मिल जाता है पिक्चर की, पेन ड्राइंग, डेट एंड टाइम, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो पिक्चर पर क्लिक करके आप यहाँ पर पिक्चर को ऐड कर सकते हो, अपने डेस्कटॉप पर जो भी पिक्चर है उसको आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मेरा ये पिक्चर है, मान लीजिए इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो वो पिक्चर मेरे यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे करके पिक्चर को ऐड कर सकते हो वर्डपैड पर, जो आपको नोटपैड पर नहीं देखने को मिलता है ये ऑप्शन। ओके, ये आपको वर्डपैड पर मिलता है। इसको मैं अभी बैकस्पेस से डिलीट कर देता हूँ पिक्चर को। और आप यहाँ से डायरेक्टली पेंट सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो, पेंट ड्राइंग पर क्लिक करके आप डायरेक्टली पेंट सॉफ्टवेयर को ओपन करके वहाँ पर कुछ भी आप ड्रॉ करके उसको डायरेक्टली यहाँ पर ला सकते हो। मान लीजिए पेंट पर मैंने तो यहाँ पर ओपन कर लिया, अभी मैं इस ओवल शेप को लेके यहाँ पर एक ओवल क्रिएट कर लूँगा, ये मैंने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर क्रॉस बटन पर इसको क्लिक कर देता हूँ तो मैंने पेंट पर जो क्रिएट किया था वो देखिए यहाँ पर आ चुका है, इसको भी मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम पर क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा अवेलेबल, मतलब फॉर्मेट्स मिलेगा, आप कौन सी फॉर्मेट्स पर डेट एंड टाइम को रखना चाहते हो। सो मैं यहाँ पर ये फॉर्मेट ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, डेट एंड टाइम आ चुका है। तो ये डेट एंड टाइम वही टाइम आएगा जो आपके कंप्यूटर पर ऐड किया है, मतलब कंप्यूटर पर सेट किया हुआ है। ओके, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, सब कुछ यहाँ पर हटा देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आपको ये काम आएगा कि आप अगर किसी फाइल को यहाँ पर ओपन करना चाहते हो, वो किसी भी तरह का फाइल हो गया, नोटपैड का फाइल हो गया, वर्डपैड का फाइल हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल हो गया, आप उनको यहाँ पर ओपन कर सकते हो इंसर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम फाइल पर जाता हूँ, ब्राउज पर जाता हूँ। ब्राउज पर जाने के बाद यहाँ पर मैं एक यहाँ पर चूज कर लूँगा, देखते हैं कौन सा लेते हैं। ये जो मेरा डिस्क्रिप्शन है, मैं जो अपनी YouTube पर वीडियो पर जो डिस्क्रिप्शन डालता हूँ उसका कुछ पार्ट में यहाँ पर ऑलरेडी मेरा टाइपिंग किया हुआ है, तो मैं जस्ट इस पार्ट को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो इस डिस्क्रिप्शन पार्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। ओके, तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है ये मैंने लिखा है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ अपने वर्ड पैड पर। देखिए मेरा जो ऐसे ये ओपन हो चुका है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिस्क्रिप्शन है, देखिए मेरा यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब इसको मैं बैकस्पेस से डिलीट कर देता हूँ, ये बैकस्पेस से डिलीट हो जाता है, हो गया। और यहाँ पर देखिए जो है फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल, ये ऑप्शन एडिटिंग टैब पर जो आता है, ये ऑप्शन मैंने आपको नोटपैड पर दिखा दिया था। तो आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिए, ज़रूर देख लीजिए, चाहे नहीं आप देख लीजिए अगर अच्छी तरह से आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। देखिए होम पर जितना भी ऑप्शन था, जितना भी टैब का ऑप्शन था, क्लिपबोर्ड टैब, फॉन्ट टैब, पैराग्राफ टैब, इंसर्ट टैब, एडिटिंग टैब, सब ऑप्शन मैंने आप सभी को दिखा दिया है। एंड आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
अब मैं आता हूँ यहाँ पर व्यू पर। व्यू पर ऑप्शन है जूम इन, जूम आउट 100%, जो जूम टैब पर आता है। सो और हाइट टैब पर आपको रूलर मिल जाते हैं, स्टेटस बार मिल जाता है, एंड सेटिंग्स पर आपको वाइड रैप और मेजरमेंट यूनिट्स मिल जाता है। तो जूम टैब पर जो है जूम इन जूम आउट 100%, ये मैंने पेंट पर भी दिखाया है, नॉट पेंट पर भी दिखाया है, आप लोग जाके उसको देखिए। और सो और हाइट पर जो आता है रूलर स्टेटस बार, तो ये इतना काम नहीं है, रूलर में अगर कर दूंगा तो आप देख रहे ये जो है ये हट जाएगा अगर मैं रूलर से टिक को हटा दूंगा। और स्टेटस बार में यहाँ पर स्टेटस हट जा रहा है, मतलब ये देखिए यहाँ पर जो नीचे है ये मेरा पेज का साइज है अभी 100% हुआ है, तो स्टेटस बार पर क्लिक करके मैं इसको हटा सकता हूँ, यही इसका काम है। एंड यहाँ पर वाइड रैप का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप नो वैप कर सकते हो, नो वैप करने पर ऐसा आ जाता है, एंड रैप टू विंडो करने पर ऐसा आ जाता है। तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आपको रैप टू रूलर सेलेक्ट किया होगा, आपको इसी पर काम करना है रैप टू रूलर पर। और मेजरमेंट यूनिट्स पर जाके आप यहाँ पर इंचज पर अगर कोई मतलब कोई अगर मैथ करते हो या फिर कोई सोल्यूशन अगर आप करते हो तो आप कहाँ पर उसको लेना चाहते हो, इंचज पर, सेंटीमीटर पर, पॉइंट्स पर, ओके जो भी यहाँ पर ऑप्शन होते हैं वो सारे कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये हो गया। एंड ये जो फाइल है, फाइल में तो आपको पता ही है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, ये सब कुछ मिलता है। तो ये सब कुछ ऑप्शन भी मैंने आप सभी को नोटपैड सॉफ्टवेयर पर बता दिया है। ओके देखिए वर्डपैड पर जो भी ऑप्शन था, होम पर जो ऑप्शन था, व्यू पर जो ऑप्शन था, सब मैंने दिखा दिया है। तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है मेरा टाइप हुआ, अभी मैंने कुछ फाइल भी यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है, तो मैं इसको जस्ट क्लोज कर लूँगा। लेकिन फिर से यहाँ पर मुझे यहाँ पर कह रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पर डोंट सेव कर दूंगा क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, मतलब किसी भी तरह का फाइल क्रिएट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर डोंट सेव कर दूंगा। तो मैं बाहर आ गया वर्डपैड से। तो मैंने वर्डपैड की जितना भी ऑप्शन है वो मैंने आप सभी को दिखा दिया है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं पर दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर कमेंट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। ओके सो एंड नोटपैड को ज़रूर देखिए, नोटपैड सॉफ्टवेयर को, या फिर इससे पहले भी जो भी क्लास मैंने बताया था उस क्लास को ज़रूर देखिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और भी देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।